तो हेलो गाइस, कैम छो बजा। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग के बजे अभी 8:30 और काफ़ी धूप निकल गई है और अभी तो नहाया नहीं हो। अब से तो सोचा है कि दोपहर को ही नहाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग में जब नहाने जाते हैं ना तो ठंडी लगती है। अभी जो बारिश गिरी है ना उसके बाद ज़्यादातर गर्मी नहीं लग रही, तो उसकी वजह से पानी ठंडा रहता है। गुड मॉर्निंग टिंगू। तो अभी टिंगू की गुड मॉर्निंग हुई है। नाश्ता तो मम्मी ने इतनी मॉर्निंग मॉर्निंग बना दिया ना, देखो वेफर और पापड़। पापड़ तो हमें पसंद नहीं है। और ये देखो, स्पेशल एडिटिंग के लिए हमने न्यू हेडफोन लिया है। ये एडिटिंग करने में ज़्यादा तो दिक्कत होती है। मॉर्निंग मॉर्निंग में हमारा भाई आ गया है, देखो ये चुप आ चुप हो चुप। गुड मॉर्निंग। तो वैसे तो चाइना से करने के बाद थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, कि अगर आज कुछ बढ़िया वाला खाने का मन कर रहा है तो सोचते हैं पानी पूरी बनाते हैं। और मनु जा रहा है विश्वनगर मार्केट, तो बोलते हैं जो वो सामान ले आएगा ना तो बनाएंगे पानी पूरी। और अभी धूप इतनी लग रही है ना कि बाहर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा, पर जाएंगे ब्लॉग शूट करेंगे, वरना अंदर रूम में तो क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो चलिए मनु को बोलते हैं, वो सामान विश्वनगर से लाता है पानी पूरी का, तो बना देंगे। और अभी तो क्या कुछ देख रहा है, बोलो। दो तीन दिन से हमारा जो बाइक बिगड़ा हुआ है ना, तो आज हम ठीक करने वाले खुद, और इसका ऑयल हो सारा सारा काम हम खुद करने वाले। तो ये है सारे सारे ये हथियार, और लेके बैठ गए अपना KTM, और चेंज करने वाले हैं ऑयल और सारा का सारा काम का जो सर्विस है ना, होममेड सर्विस करने वाले हैं KTM। तो लाइफ में पहली बार आप भी देख रहे होंगे कि होममेड KTM का सर्विस हो रहा है घर पे, वो भी खुद से। और ऐसे वैसे कारीगर मिल गए, देखो एक IT वाला है, एक CE वाला है। तो देखो अलग अलग कैटेगरी के सारे सारे कारीगर लग गए हैं बाइक ठीक करने के लिए। और वो दोनों जा रहे हैं, ये पाना है ना वो एक हथियार काम नहीं आ रहा, ये वाला स्क्रू है ना वो खुल नहीं रहा, तो इस वजह से गांव में जा रहे हैं गैरेज में और ऐसा एक पाना लेके आएंगे। कितनी जगह से इस बंदे में, देखो सिर्फ बिगाड़ना मत। तो आखिरकार ये वाला स्क्रू निकल गया है, खुल गया है। तो यहाँ से ये स्क्रू निकाल दिया है और उस तरफ से ऑयल निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ फूंक मारेंगे। फूंक मारे तो निकल, काड़ू बोला थोड़ा फूंक मारे तो निकल। और भाई कारीगर हमें ऐसे मिले हैं ना, जितना काम नहीं करते ना इतना तो पानी पीते हैं, तो हमें दम नहीं है, तो अमित मारेगा फूंक। ये रीते नहीं, डायरेक्ट फोटो डाल। पप्पी का आने तू? नहीं नहीं, पप्पी नहीं करनी, मार मार, वो मारी है ले। अबे मार, वो मार, मारो वो दूध नहीं पकता। अरे आज एक्टिंग करा ले, वो हाल मार ले आज। तो अमित तो फूंक नहीं लगा रहा, पर हमें करना पड़ेगा ये वाला काम। ये गेट अगर ऊपर तो ये जब मन फोन करे ले, मैं फोन कर दूंगा जिम्मा नहीं। अरे ऊपर ये फोनो फोनो बदो फिनिश करवा दे रहा, बदो पकड़ा दे। तो अभी हम खाने वाले आइसक्रीम, और ये वाली आइसक्रीम हम बचपन में खाते थे, और ये 5 वाली है, और ये 10 वाली, 5 वाली 10 वाली ले जा, 5 वाली 10 वाली। क्या मेरे परी दोनों मिला के एव दोनों मिला, वाह। तो ऐसी आइसक्रीम जब भी देखते हैं ना तो हमें बचपन याद आता है, क्योंकि पहले ऐसी आइसक्रीम खाने को मिलती थी, और ये दोनों मिला के मिला है, और इस बंदे को नहीं खा लेंगे। दो ले ना, धीरा ना ला। अरे काका आपड़ी हो मस्त, बरो पेलन तो चाल से।
हमारा नसीब ऐसा है ना तो ऐसे कारीगर में मिले, वरना नसीब ने पैसा नहीं इतने आ कारीगर में आया थी ये बात हाँची है पैसे कम है तो वैसे तो हमें डर था कि संजय पकड़ के लिए थोड़ा भी ऑयल नहीं होगा, पर इतना तो निकला है ऑयल देखो, थोड़ी बहुत अंदर भी शांति मिली क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ऑयल खत्म हो गया है और बिल्कुल खत्म हो गया होता ना तो पूरे का पूरा इंजन जाम हो जाता, पर खैर भगवान का इतना तो है। तो अभी हम दोनों भाई चले हैं विसनगर मार्केट में क्योंकि जो ऑयल मंगवाए ना अपने फ्रेंड के या जिम्मी के यहाँ तो वो लेना है और उसके बाद घर जाके खुद ही ऑयल चेंज करने वाले हैं। तो चले फटाफट निकलते हैं और आज तो पानी पूरी बनानी है ना तो वो भी सारा सारा सामान लाना है तो सब कुछ लेके आते हैं क्योंकि जल्दी जाएंगे जल्दी वापस आएंगे वरना ये धूप हमें खा जाएगी। और अभी हम आए हैं पानी पूरी का पूरा पूरा सामान लेने, थोड़ी बहुत पानी पूरी भी खा लेते हैं। पानी पूरी का सारा सारा जो सामान है ना वो तो ले लिया है तो अब ये जो पुदीना और दूसरी एक दो चीजें है ना वो ले लेते सामने तो लिए तो 2 किलो की पर एक ही तरबूज आया है उसको अंदर डाल दे डाल दिया है तो थोड़ा कम्फर्ट रहे। और अब सिर्फ एक ही काम बाकी पानी पूरे का जो पानी बनाने का जो मसाला आता है ना वही बाकी तो आगे से ले लेंगे और सीधे घर जाएंगे। तो विसनगर मार्केट से आने के बाद इतनी गर्मी लग रही थी ना भाई तो सबसे पहले तो नहा लिया और ये वाला ऑयल लाए देखो KTM RC के लिए और जितना महंगा बाइक सुपर बाइक उतना महंगा ऑयल 1375 रुपया हो लिए देखो 1330 रुपये तो है 1375 रुपये इस ऑयल का और उसमें भी लेबर चार्ज डाल के 100 रुपया एक्स्ट्रा क्या भाई। तो पूरे का पूरा ऑयल चेंज करने के बाद अभी स्टार्ट कर दिया है और इसको 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। पेट्रोल का तो कोई दिक्कत नहीं है पर भगवान करे कोई दिक्कत ना हो दूसरी वही इंजन में वो पिस्टन में वरना खर्चा कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा। और लाइफ में पहली बार ऐसे सुपर बाइक का ये ऑयल चेंज किया। बाहर लग रही थी गर्मी तो बाइक को लेके आ गए हैं हमारे घर के आंगन में और यहाँ स्टार्ट करके रखेंगे। हाँ तो क्या है कि यहाँ बैठे रहेंगे देखे रहेंगे बाय चांस बंद हो गया ना तो उसको स्टार्ट करने पड़ेगा। और अभी आ रही है हमारी सिस्टर चुमी और काफ़ी मज़े लूटने के बाद अभी अभी घर पे पहुँची है देखो उसका फेस हालत बिगड़ गई तो बाइक को काफ़ी हिट करने के बाद अभी ये थोड़ी देर या हाउस करते हैं। तो अभी हम चढ़ा देंगे विपुल के ऊपर तो वैसे तो बाइक का आवाज़ बंद हो गया है पर सारे सारे बाइक का अंजर पंजर ढीले हो गए हैं तो इसे सर्विस में तो ले जाना पड़ेगा।
तो आज तो सुमी आ गई है हमारा रसोईया, तो सारी सारी रसोई देखो सुमी बना रही है कि तो देखो सुमी बहन ने बनाई है पानी पूरी ठंडी गरम मिक्स। ठंडी बनानी बाकी है अभी, ठंडी तो बाकी है पर ये गरम का ये रगड़ा है ना वो रेडी कर दिया है। मिर्चिया ने क्या किया, मिर्ची इसको कुटी नहीं और ऐसे ही पानी में भिगो के चली गई, काम चोर कही। ये देखो देखो मैं झूठ बोल रही हूँ, देखो टीचर है कभी झूठ नहीं बोलेगी, टीचर हमेशा सही बोलती है क्योंकि सुमित टीचर है कभी झूठ नहीं बोल सकती ना। अरे अब तो मजा आएगा, एक महीना सुमी रहेगी ना तो अलग अलग आइटम बनाएगी और हमें कुछ नहीं करने का, सिर्फ बोलने का खाने का फेंकने का। थोड़ा चना ना जी ले, थोड़ा रखो तो नहीं वो मना रहा, तो इमारत का पन इमारत को मना रहा आवाज किन थोड़ा दे। और ये है हमारा दूसरा रसोईया, ये तो हमेशा होम मेड है, हमारे पास ही रहता है, आजू बाजू घूमता रहता है। ये अम्मा मैं अपना दे पूरी अभी रेडी है, तो पानी पूरी तो पेट भर के खा लिए पर ये पिया सिर्फ बाकी है क्योंकि पिया जब भी खाना बनता है ना उसके बाद रीस आ जाती है। तो चलिए आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा वो लाइक करिएगा और हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो आओ जो काले बजा बोलजू बराबर।